आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सुनिए शुक्रवार 27 अगस्त का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। कई वर्ष तक अमिताभ बच्चन के बॉडीगार्ड रहे मुंबई पुलिस के हेड कांस्टेबल जितेंद्र शिंदे का पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले ने स्थानांतरण कर दिया है। आरोप है कि जितेंद्र को अमिताभ बच्चन सालाना 1.5 करोड़ रुपये वेतन देते थे। यह जानकारी मिलने के बाद जितेंद्र के विरुद्ध विभागीय जांच का आदेश भी दिया गया है। जितेंद्र शिंदे 2015 से अमिताभ के लिए काम कर रहे थे। चर्चा यह भी है कि वे अपनी निजी सुरक्षा एजेंसी भी चला रहे थे। इसकी जानकारी विभाग के कुछ लोगों को हुई और मामला मुंबई पुलिस कमिश्नर तक पहुंच गया। मुंबई पुलिस के कमिश्नर का पद ग्रहण करने के बाद पुलिस आयुक्त हेमंत नागराले ने फरमान जारी किया था कि कोई भी व्यक्ति एक पद पर एक पुलिस स्टेशन में 4 वर्ष से अधिक समय तक नहीं रह सकता है। विभाग का कहना है कि इसी नियम के तहत शिंदे का स्थानांतरण डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन में कर दिया गया। वेतन के भुगतान को लेकर अमिताभ बच्चन के अकाउंट डिपार्टमेंट से भी जानकारी मांगी जा सकती है। ऑनलाइन एजुकेशन कभी भी ऑफलाइन एजुकेशन का विकल्प नहीं हो सकता, यह मानते हुए दिल्ली में भी शालाएं खोलने की घोषणा कर दी गई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि शिक्षा को काफी नुकसान हो चुका है। दिल्ली में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग अब आरंभ किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरी सावधानी से और धीरे धीरे स्कूल खोले जाएंगे। दिल्ली सरकार ने कुछ गाइडलाइंस भी बताई हैं जिसका सख्ती से पालन किया जाएगा। 1 सितंबर से दिल्ली में 9वीं से 12वीं के स्कूल और उस आयु समूह के बच्चों की कोचिंग और सभी कॉलेज खोलने की अनुमति दे दी गई है। अब सभी कॉलेज खोले जा सकते हैं। जो भी स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे वहां सामाजिक दूरी का सख्ती से पालन किया जाएगा। किसी भी बच्चे को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए पेरेंट्स की अनुमति आवश्यक है और यदि उनकी अनुमति नहीं है तो किसी भी बच्चे को जबरन नहीं बुलाया जाएगा और उसके लिए उसे अनुपस्थित नहीं किया जाएगा। इस तरह से ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेज दोनों जारी रहेंगी। कांग्रेस की छत्तीसगढ़ इकाई में खींचतान और राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। माना जा रहा है कि इस बैठक में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस से जुड़ी सियासी उठापटक को लेकर चर्चा हुई है। बैठक में क्या परिणाम निकला इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिली है। हालांकि प्रदेश सरकार के नेतृत्व के बारे में फैसले के संदर्भ में इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भूपेश बघेल कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी मुलाकात करेंगे। इस बीच भूपेश बघेल के समर्थक 30 से अधिक विधायक एवं पूर्व विधायक दिल्ली में उपस्थित हैं। सूत्रों का कहना है कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा के मद्देनजर वे मुख्यमंत्री का समर्थन करने पहुंचे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। अशोक गहलोत की शुक्रवार को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में एंजियोप्लास्टी की गई। राहुल गांधी ने फेसबुक पोस्ट में कहा, अशोक गहलोत के शीघ्र और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना करता हूं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट किया, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अस्वस्थ होने की जानकारी मिली, ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत शुक्रवार 27 अगस्त को टेलीविजन पर एक साक्षात्कार के दौरान पत्रकार के सवाल पर फंसते नजर आए। उनसे पूछा गया था कि कृषि कानूनों के किन सेक्शंस में लिखा है कि उद्योगपति अन्नदाताओं की जमीन हड़प लेंगे, वह इसका सीधा जवाब नहीं दे पाए। बार बार एंकर से पूछने लगे कि वह सरकार में क्या है, किस पोस्ट पर है, जो उन्हें उत्तर दिया जाए।
टिकैत ने इसके अलावा यह भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता घर पर रहने लगे हैं, जबकि उनके स्थान पर सारे न्यूज एंकर अब प्रवक्ता बन गए हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका स्वयं को अब वहां से शीघ्र अतिशीघ्र बाहर निकालना चाहता है। इस महीने के आखिरी तक अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान छोड़ देंगे। वहीं भारत ने अमेरिका के इस तरह अफगानिस्तान छोड़ने को गलत ठहराया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने तंज कसते हुए ट्विटर पर लिखा है कि जब अफगानिस्तान में भारत अपनी सेना नहीं भेज सका तो अमेरिका के हटने की निंदा किस मुंह से कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी सांसद के इस बयान पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने स्वामी की पीठ थपथपाई है। उन्होंने लिखा, मैं सुब्रमण्यम स्वामी का कोई प्रशंसक नहीं हूं, पर उनके साहस की दाद देता हूं। इससे पहले अपने ट्विटर हैंडल से भारतीय जनता पार्टी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा कि अमेरिका की आलोचना करने का हमें कोई अधिकार नहीं है कि वो अफगानिस्तान को इस हालत में छोड़कर चला गया, क्योंकि जो भी हम अमेरिका के लिए कहेंगे वही कहीं ना कहीं हमने भी किया है। उन्होंने आगे लिखा कि अफगानिस्तान हमारे कश्मीर के बॉर्डर पर है, फिर भी हमने कुछ भी नहीं किया। हम चाहते तो अमेरिकी सेना के जाते ही हम अपनी सेना वहां भेज सकते थे, लेकिन हम भी सबका मुंह ताकते बैठे रहे कि कोई और नहीं आया तो हम क्यों जाएं। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। पंजाब कांग्रेस में उपजा कलह है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। कश्मीर को लेकर विवादित बयान देने वाले पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मालविंदर सिंह माली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मालविंदर सिंह माली के इस्तीफे के बाद नवजोत सिंह सिद्धू का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर सीधा वार करते हुए कहा है कि यदि मुझे निर्णय नहीं लेने दोगे तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। शुक्रवार को पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कहा है कि यदि मैं पंजाब के लोगों की आशा और उम्मीद पर खरा उतर गया तो अगले 20 वर्ष तक कांग्रेस को बाहर नहीं जाने दूंगा, लेकिन मुझे निर्णय नहीं लेने दिया गया तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। इस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि सभी संसाधन निजी जेबों में जा रहे हैं। पंजाब मॉडल यह नहीं है कि राज्य का खजाना खाली रहे, बल्कि इस खजाने को कैसे भरना है यह पंजाब मॉडल कहता है। 126 यात्रियों को ले जा रहे विमान के पायलट को अचानक हार्ट अटैक आ गया। बांग्लादेश के विमान की महाराष्ट्र के नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं और पायलट को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विमान एयरलाइंस की यह फ्लाइट मस्कट से ढाका जा रही थी। विमान जब भारत के ऊपर से गुजर रहा था तभी पायलट को हार्ट अटैक आ गया। इस दौरान विमान रायपुर के समीप था और इसने कोलकाता एटीसी से इमरजेंसी लैंडिंग के लिए संपर्क स्थापित किया। एक अधिकारी ने बताया कि जब विमान को आपात स्थिति में उतारने के लिए कोलकाता एटीसी से संपर्क किया गया उस समय वह रायपुर के पास था, जिसके बाद उसे निकटतम नागपुर हवाई अड्डे पर उतरने की सलाह दी गई। विमान ने 11:40 पर नागपुर में लैंडिंग की। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने शुक्रवार को महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, वे शिवसेना सत्ता में है इसलिए उन्होंने मुझे गिरफ्तार करवाया। महाराष्ट्र कोरोना में नंबर 1 है, कोविड के दौरान उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कर दी गई, दिशा सालियान का रेप करके मर्डर हुआ, अपराधी फिर भी खुलेआम घूम रहे हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शरद खरे से शुक्रवार 27 अगस्त का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन।
रविवार 29 अगस्त को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय।